एक गहने जंगल में चार दोस्त रहते थे, एक छोटा और तेज माउस, काला काला क्रो, सुंदर और तेज डियर और बुद्धिमान और धीरे टॉर्टोइस। इन सब में कितना भी अंतर क्यों ना हो, इनका दिल एक जैसा था। वो गर्म धूप में खेलते थे, चमकते तारों के नीचे कहानियां सुनाते थे। उनकी दोस्ती बहुत अनमोल थी। एक सुंदर सुबह वो खाना ढूंढने निकले। उन्हें क्या पता था खतरा पास ही लर्किंग कर रहा है। एक शिकारी ने एक जाल बिछाया था किसी मोटे जानवर को पकड़ने के लिए। टॉर्टस अपने धीरे धीरे कदमों से पीछे रह गया। वो रसीले जामुन के एक झुंड की तरफ बढ़ गया। उस खतरे का कोई पता नहीं था। स्नैप, शिकारी का जाल बैंड हो गया और टॉर्टस उसमें फंस गया। हेल्प मी, टॉर्टस चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। जाल बहुत मजबूत था, वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। दूसरे दोस्तों ने टॉर्टस की चीखें सुनी। वो उसके पास भागे। उनका दिल चिंता से जोर जोर से धधक रहा था। टॉर्टस को स्टका हुआ देखकर वो डर और दुख से भर गए। क्रो ने अपनी तेज आंखों से शिकारी को एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखा। डोंट वरी टॉर्टस, वो बोला, हम तुम्हें बचा लेंगे। क्रो पेदोन के ऊपर उड़ गया। उसके पास एक प्लान था। क्रोज बहुत चतुर होते हैं और ये वाला जानता था कि क्या करना है। वो शिकारी की तरफ झपटा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शिकारी शोर से चौंक गया और क्रो को भगाने के लिए मुड़ा। सेक्शन 4, द स्विफ्ट डियर। ये उनका मौका था। डियर अपने लंबे मजबूत पैरों के साथ एक्शन में ना गया। वो जाल की तरफ भागा। उसके खुर जमीन पर बज रहे थे। डियर जाल के पास पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। वो जानता था कि यूज सावधान रहना होगा। एक गलत हरकत से टॉर्टोस को चोट पहुंच सकती थी। अपने मजबूत सींगों का उपयोग करके डियर ने जाल को ध्यान से इतना खोला कि टॉर्टस बच सके। सेक्शन 5, द टाइनी हीरो। माउस छोटा लेकिन तेज जाल के अंदर घुस गया। वो टॉर्टस के पास भागा। उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धधक रहा था। डोंट वरी टॉर्टस, माउस ने चीं चीं की, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। अपने तेज दांत से माउस ने टॉर्टस के पैरों को बांधने वाली रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। आखिरकार एक झटके के साथ रस्सियां टूट गईं। टॉर्टस आजाद था। सेक्शन 6, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। टॉर्टस सुरक्षित और स्वस्थ ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके साथ मिलकर काम किया था। अनहोन यूएस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। शिकारी जानवरों द्वारा चकमा देकर खाली हाथ चला गया। जंगल फिर से सुरक्षित था। चार दोस्तों की बहादुरी और त्वरित सोच के लिए धन्यवाद। जब हम साथ में काम करते हैं तो हम ज्यादा मजबूत होते हैं। और टीमवर्क के साथ छोटा से छोटा इंसान भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है।